इलनास के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ आपसे शेयर करते हैं। इलनास इंडिया में बहुत काम कर चुकी हैं, हैं ये ईरानी, पाकिस्तान में इनका पहला प्रोजेक्ट था। उर्दू में जब मैंने इनसे बात की तो मुझे कहीं से नहीं लगा कि ये पाकिस्तान से नहीं है। कैसी हैं? मैं भी बहुत नर्वस हो गई हूँ, अभी इंग्लिश में बात कर रही हूँ। नहीं, इस आपका तो एक्सेंट भी बड़ा जबरदस्त है। आपका एक्सेंट बिल्कुल क्लियर है, तो ये कैसे ये सीखा? सो जी, जी, और इस पे आपने बकायदा किसी से क्लासेस ली या क्या हुआ? हाँ जी, थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा तो मैंने खुद बुक से या बात करने से। मुझे लगा कि फिल्में करना है तो उर्दू या हिंदी भी सीखना चाहिए ना, तो इसलिए बॉम्बे में जब मैं रहती थी और अभी भी रह रही हूँ वहाँ पे, तो आई स्टार्टेड लर्निंग। बहुत ज़बरदस्त बात है, नेचुरली जिस चीज़ में आपको करना। बट आई एम वेरी क्यूरियस, मेरा ख्याल है कि लेट्स टॉक अबाउट इट एंड गेट इट आउट ऑफ द वे। ईरानी फिल्म इंडस्ट्री दुनिया में मानी जाती है, मतलब कि लिटरली इफ़ यू हैव टू लुक अप टू सम फिल्म इंडस्ट्री, आप उनको फॉलो करें तो मेरे लिए, तो मैं कहूँगी हॉलीवुड से पहले मुझे ईरानी, क्योंकि जो उनकी मैसेज होता है, जो उनकी स्टोरी लाइन होती है और फिर जो उनकी अदाकारी होती है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर, आप अदाकारी कर ही नहीं रहे, यू आर इन इट। तो उतनी ज़्यादा कॉम्पिटेंट इंडस्ट्री को आपने खुदाफिस करके, मतलब यू आर ट्राइंग योर हैंड एट बॉलीवुड एंड देन ऑफ कोर्स इन पाकिस्तान। खुदाफिज करके तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं आई वॉज बोर्न इन ईरान बट आई ग्रू अप इन जर्मनी, तो मुझे वो मौका नहीं मिला कि ईरान में काम करूँ। अच्छा। जब इन जर्मनी व्हेन आई वाज वाचिंग बॉलीवुड फिल्म्स और मुझे ये करना था, ये जो सॉन्ग्स है, ये जो लव, हाँ, और मुझे यही करना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इंडिया जाऊं और बॉलीवुड फिल्मों में काम करूं। लेकिन मैं चाहती हूं कि इफ़ आई गेट अ चांस आई वुड लव टू वर्क इन इरानियन फिल्म्स। ओह ब्रिलियंट, वी लुक फॉरवर्ड टू दैट।